जय श्री श्याम, राधे राधे। राधे रूपमन की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में फलाहारी थाली, जिसमें हम बनाएंगे दही बड़े, बहुत ही टेस्टी से दही बड़े, आलू का हलवा। हम बनाएंगे इसमें साबुदाने की खीर, क्रिस्पी मूंगफली, क्रिस्पी आलू, आलू की रसेदार सब्जी, साबुदाने की खिली खिली खिचड़ी और फलाहारी चटनी, और बनाएंगे कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है कि ये थाली आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं बता सकूं और अच्छे से बताऊं पूरी थाली को। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक बाउल ले लिया है। इसमें जो ये साबुदाना है इनको हम भिगो के छोड़ देते हैं। मैंने ये एक कटोरी साबुदाना ले लिया है, थोड़ा सा साबुदाना मैं और डाल देती हूँ, तो मैंने लगभग लिया है सवा कटोरी साबुदाना। इसको हम पानी डाल के अच्छे से पहले वॉश कर लेते हैं, अच्छे से हाथों से मल मल के वॉश करेंगे इसको। हम इस तरह से अच्छे से मलकर इसको धो लेना है और इसका पानी निकाल देंगे। इसी तरह से इसको हम दो तीन बार वॉश करेंगे। इससे क्या होगा, जो इसमें स्टार्च लगा हुआ होता है साबुदाने पर, वो बिल्कुल निकल जाएगा और जो हमारी रेसिपी है वो बहुत ही बढ़िया बनती है। फिर थोड़ा सा हम पानी का इस तरह से इस पर छींटा लगा देंगे और इसको ढककर छोड़ देंगे लगभग 3-4 घंटे के लिए, और थोड़े थोड़े इंटरवल में मैं फिर से इस पर इसी तरह से छींटा लगाती रहूंगी। तो इसको ढक के छोड़ देते हैं हम 3-4 घंटे के लिए, ताकि हमारे जो साबुदाने वो अच्छे से फूल कर तैयार हो जाए। फिर देखिए फ्रेंड्स, मैंने थोड़े से साबुदाने ये ले लिए हैं यहाँ पर, ये ड्राई साबुदाने, ये आधी कटोरी लिए है मैंने। इनको हम मिक्सर में डालकर इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। फिर देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सारी तैयारी यहाँ पर कर ली है। मैं अभी आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी कि मैंने यहाँ पर ये क्या क्या तैयारी करी है, जैसे जैसे हम रेसिपी बनाते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। देखिए, मैंने थोड़े से तो ये आलू बॉईल कर लिए हैं, इनको मैंने कट करके रख लिए हैं। ये बॉईल्ड आलू है, इनको हम 3 रेसिपियों में यूज करेंगे। ये 4 आलू अलग से रख लिए हैं मैंने इस तरह से बॉईल, इनको जो ग्रेटर है इससे हम जो बारीक वाला का होता है बिल्कुल उससे ग्रेट करके तैयार कर लेते हैं। फिर देखिए, मैंने ये थोड़ा सा धनिया ले लिया है, इसकी हम चटनी बनाएंगे। फिर इसमें हम डाल देते हैं ये अदरक और हरी मिर्ची, फलाहारी चटनी बना के तैयार कर लेते हैं हम। थोड़े से डाल रही हूँ मैं इसमें भुने हुए तिल, मैंने जो सफ़ेद तिल होते हैं उनको रोस्ट कर लिया था तवे के ऊपर। फिर डाल दिया है मैंने फलाहारी नमक इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर हम इसमें निचोड़ देते हैं थोड़ा सा नींबू। अब इसकी हम चटनी बना के तैयार कर लेते हैं मिक्सर में। फिर देखिए, मैंने यहाँ पर ये चीनी ले ली है, ये साबुत चीनी है, इसके अंदर डाल दिए मैंने 5-6 इलायची। इनको मिक्सर में डाल के इसका हम पाउडर बना के तैयार कर लेंगे बिल्कुल फाइन। फिर देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये ले लिया है 1/2 लीटर दूध, इसकी हम बनाएंगे साबुदाने की खीर। तो जब हमारे दूध में बिल्कुल उबाल आ जाएगा, उबाल आने के बाद में 7-8 मिनट तक हम इसको इसी तरह से बॉइल करेंगे, पहले दूध को थोड़ा सा गाढ़ा होने तक। तो जब तक ये इसमें उबाल आकर ये गाढ़ा होता है इसको हम साइड कर देते हैं। फिर मैंने ले लिया यहाँ पर एक कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया है मैंने घी थोड़ा सा, इसका हम बनाएंगे आलू का हलवा। फिर देखिए, जो आलू हमने ग्रेट किए थे ये इसमें डाल देते हैं हम। ग्रेट करने से फ्रेंड्स ये फायदा होता है कि इसमें मोटे मोटे टुकड़े नहीं आएंगे आलू के, और जो हमारा आलू का हलवा है वो बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होगा। अगर आप नॉन स्टिक कढ़ाई में बना रहे हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, लेकिन अगर आप नॉर्मल कढ़ाई में बना रहे हैं तो जहां तक हो सके आप मोटे तले की कढ़ाई लें, क्योंकि जो आलू होता है वो बहुत ही ज्यादा चिपकता है। तो आप इसको स्लो फ्लेम पे पकाएं, बिल्कुल लगातार चलाते रहें इसको आप, वरना आलू चिपक जाएंगे। ये देखिए, हमारा जो दूध है उसमें अच्छे से उबाल आ चुका है। मैंने इसको लगभग 7-8 मिनट के लिए इसी तरह से उबाल ले लिया है इसमें। फिर देखिए, जो साबुदाने थे हमारे वो अच्छे से भीग चुके हैं। इसमें से हम थोड़े से साबुदाने ले लेते हैं और हमारी इस खीर में डाल देते हैं, जो हमने अलग से डाला था ना सवा कटोरी, जो वो सवा आधा कटोरी था हमारा थोड़ा सा, वो साबुदाना मैंने इसमें खीर के लिए डाल दिया है। तो इसमें अच्छे से मैंने उबाल ले लिया है 7-8 मिनट के लिए। हमारी खीर अच्छे से पक चुकी है फ्रेंड्स, साबुदाना डालने के बाद में मैंने इसको फिर से पका लिया था 7-8 मिनट के लिए। फिर मैंने इसमें डाल दी शुगर, थोड़ी सी डाल देते हैं इसमें हम किशमिश, थोड़ी सी डाल दी मैंने इलायची पाउडर। मैंने शुगर डालने के बाद में भी इसको फिर से पका लिया था 7-8 मिनट के लिए। फिर देखिए, मैंने थोड़ी सी ये केसर भिगो दी थी दूध में, ये भी इसमें डाल दिए। थोड़े से मैंने डाल दिए इस पर काजू। अब फिर से इसको हम अच्छे से उबाल ले आएंगे लगभग 5 मिनट के लिए, तो हमारी खीर बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ये देखिए, हमारी खीर बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चलिए, इसको भी हम साइड कर देते हैं, बहुत ही बढ़िया खीर बनी है हमारी।
इधर देखिए हमारे जो आलू थे वो भी अच्छे से हो चुके हैं। इसको मैंने लगभग 15 से 20 मिनट के लिए सेका है इसी तरह से। फिर मैंने इसमें डाल दिए ये गरम गरम दूध, बिल्कुल एक कप। ये कप मेरा बड़ा है, जो छोटा कप होता है ना जिसमें हम चाय पीते हैं, बस वो एक कप दूध डाला है मैंने इसके अंदर। अच्छे से इस दूध को इसमें हम मिक्स कर देते हैं। ये देखिए बढ़िया से मिक्स हो चुका है। फिर जो हमने पाउडर बनाया था ना शुगर का, शुगर और इलायची का, वो इसमें डाल देते हैं। शुगर आप हमेशा ही अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, कोई मीठा तेज खाता है कोई कम खाता है। फिर भी मैंने वो पूरी शुगर नहीं डाली है, थोड़ी सी बचा ली है। थोड़ी सी मैंने डाल दी है इसमें किशमिश, मैंने उसमें थोड़े से काजू भी डाल दिए थे। अब देखिए मैंने ये ऑयल ले लिया है थोड़ा सा, उसको तेज गर्म कर लिया था। फिर मैंने डाल दी है इसमें कच्ची मूंगफली, इनको हम 7-8 मिनट के लिए इसी तरह से इसमें चलाएंगे। जब ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी तब इन मूंगफलियों को हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद में इसके अंदर लगा देंगे हम नमक और काली मिर्ची, तो हमारी बहुत ही क्रिस्पी मूंगफली बनके तैयार हो जाएगी। फिर देखिए उसी गरम ऑयल के अंदर मैं ले लेती हूँ थोड़े से आलू। ऑयल हमारा तेज गरम है, ये देखिए हमारी मूंगफली तैयार हो चुकी है। तो इसके अंदर डाल देते हैं हम थोड़े से हमारे आलू, जो हमने आलू रखे थे ना कट करके, उन्हीं में से हम थोड़े से आलू ले लेते हैं। इनको हम बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई कर लेते हैं 7-8 मिनट के लिए, जब तक ये थोड़े से ब्राउन नहीं हो जाते। अच्छे से ये ब्राउन हो जाएंगे इस तरह से, तब इनको हम निकाल लेते हैं। फिर देखिए मैंने उसका सारा ऑयल निकाल दिया है, थोड़ा सा ऑयल उसमें रख लिया था बिल्कुल एक चम्मच छोटा वाला। उसमें डाल दिया मैंने जीरा, जीरा डालने के बाद में डाल दूंगी मैं कद्दूकस किया हुआ अदरक उसके अंदर। फिर डाल देते हैं ये कुटी हुई हरी मिर्च, मैंने 2 हरी मिर्ची को अच्छे से कूट के तैयार कर लिया। इसको हम बारी बारी से यूज करेंगे अपनी रेसिपी में। फिर देखिए जो हमने चटनी बनाई थी ना धनिए की, वो इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच भर के। अच्छे से कर देते हैं इसको मिक्स हम। फिर डाल देते हैं स्वादानुसार नमक, फलाहारी नमक और काली मिर्ची का पाउडर डाल देते हैं इसके अंदर। फिर जो हमारे ये क्रिस्पी आलू है ये इसमें डाल देते हैं। फ्रेंड्स ये क्रिस्पी आलू बहुत ही टेस्टी लगते हैं, मैंने थोड़ी सी धनिया की चटनी और डाल दी है इसमें। फिर देखिए मैंने ये भुने हुए तिल और काजू का पाउडर लिया है, मैंने काजू और तिल को दोनों को अच्छे से अलग अलग भून लिया था और फिर उसको मिक्सर में डाल के उसका फाइन पाउडर बना लिया। थोड़े से भुने हुए तिल मैं ऊपर से डाल रही हूँ, मैंने ये सफ़ेद तिल लिए थे। फिर डाल दिया मैंने नींबू का रस इसके ऊपर थोड़ा सा। अच्छे से कर देते हैं मिक्स। तो देखिए हमारे ये बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी आलू तैयार है। ये आलू की चाट बच्चों को बहुत पसंद आती है, वो ऐसे ही चट कर जाते हैं इसको। फिर देखिए मैंने ये एक पैन ले लिया है, उसमें थोड़ा सा डाल दिया है मैंने घी। घी गर्म हो जाएगा तो इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा जीरा। जब हमारा जीरा क्रैकल हो जाएगा अच्छे से तो फिर से हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक, कुटी भी डाल देते हैं हरी मिर्च इसके अंदर। अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। फिर देखिए मैंने थोड़े से आलूओं को अच्छे से इस तरह से मैश कर लिया थोड़ा थोड़ा, और वो इसमें डाल देते हैं। ये उबले हुए आलू है अपने वही, और थोड़े से आलू के टुकड़े डाल देते हैं इसके अंदर। अच्छे से इनको हम मिक्स कर लेंगे। फिर डाल देते हैं थोड़ा सा पानी इसमें, थोड़ा सा पानी मैंने और डाल दिया है। फिर डाल दिए इसमें मैंने काली मिर्ची का पाउडर, फलाहारी नमक डाल देते हैं इसमें। अच्छे से इसमें बॉईल आने देते हैं। फिर डाल देते हैं इसमें नींबू और हरे धनिया की पत्ती। तो ये हमारी तैयार हो चुकी है आलू की रसेदार सब्जी, जो बहुत टेस्टी लगती है। फिर उसी पैन में मैंने ले लिया है थोड़ा सा ऑयल, ऑयल के बाद में मैंने डाल दिया उसमें जीरा, जीरा डालने के बाद में डाल दिया है कद्दूकस किया हुआ अदरक और हरी मिर्ची जो हमने कूट के रखी थी वही। फिर थोड़ी सी मैंने ये लाल मिर्ची कट कर ली थी और हरी मिर्ची, ये डाल देते हैं इसके अंदर। अच्छे से इनको कर लेते हैं मिक्स हम। अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद में डाल देते हैं हमारे ये आलू। अब हम सारे आलू डाल देते हैं फाइनली। हमने तीनों रेसिपी बना ली है हमारी, बॉईल आलू की, क्रिस्पी आलू बना लिए, रसेदार आलू बना लिए, और ये बना रहे हैं हम साबूदाने की खिचड़ी। तो फिर मैंने डाल दिया है इसमें लाल मिर्ची का पाउडर थोड़ा सा डाल दिया है मैंने काली मिर्ची का पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए आप इसमें फलाहारी। अच्छे से कर दीजिए इनको मिक्स सबको। फिर डाल दिया है मैंने नींबू का रस इसके अंदर, लगभग 1 टेबल स्पून। हाफ टी स्पून के लगभग डाल रही हूँ मैं इसमें शुगर, ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस खिचड़ी में।
थोड़ी सी मैं भुनी हुई जो मूंगफली थी हमारी वो डाल देती हूँ, थोड़ी सी हम बाद में डालेंगे। फिर देखिए हमारे जो साबूदाने थे अच्छे से भीग के तैयार हो चुके थे, ये हम डाल देते हैं, अच्छे से कर लेते हैं मिक्स इनको हम। फिर डाल देते हैं हरी धनिया की पत्ती इसमें। बहुत ही बढ़िया खिचड़ी बनी है फ्रेंड्स हमारी, खिली खिली। थोड़ी सी मूंगफली डाल देते हैं भुनी हुई जो हमने तेल में फ्राई की थी। खिचड़ी हमारी तैयार हो चुकी है। फिर देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक बाउल में ये ले लिया है 2 चम्मच सिंघाड़े का आटा और 2 चम्मच लिया है इसमें मैंने कुट्टू का आटा, ये मैंने 2-2 चम्मच लिए दोनों। फिर देखिए ये साबुदाने का पाउडर बनाया था ये डाल देते हैं इसमें, 2.5 चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर डाल देते हैं काली मिर्ची का पाउडर इसमें 1/2 चम्मच, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देते हैं इसके अंदर। हरे धनिया की पत्ती डाल देते हैं इसमें हम थोड़ी सी, मिक्स कर लेते हैं इनको। फिर इसमें हम डाल देते हैं ये हरी मिर्ची बारीक कट की हुई, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और फिर इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी से हम इसका अच्छे से बैटर बना के तैयार कर लेते हैं। इस तरह से बहुत ही अच्छा बैटर बना है, इसके बनाएंगे हम दही बड़े हमारे, बिल्कुल वैसा ही बैटर लगेगा आपको जैसा हम उड़द की दाल का बनाते हैं। फिर देखिए मैंने ये कुट्टू का आटा ले लिया, इसकी हम पूड़ी बनाएंगे। मैं इसमें आलू वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा बस इसमें नमक डालूंगी और थोड़ा सा गर्म पानी से इसको गूंथ के तैयार कर लूंगी। तो ना ही तो आपको इसका सख्त डो बनाना है ना ही एकदम सॉफ्ट बनाना है, अच्छे से आप इसका डो बना के तैयार कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा लगा देते हैं घी का हाथ इसके ऊपर हम, और फिर इसकी चलिए फटाफट से बेल लेते हैं पूड़ियां। एक पेड़ा उठाइए, इस तरह से गोल कीजिए, सूखे आटे में इसको कर लीजिए डस्ट, कुट्टू के आटे में ही, और अच्छे से इसको बेल लीजिए। अगर आपसे इस तरह से नहीं बेलती है तो आप पॉलीथिन लगा के बेल लीजिए। फिर देखिए मैंने ये ऑयल गरम कर लिया है एकदम, मैंने ऑयल को बिल्कुल तेज गरम किया है। तो ये ऑयल डाल लेते हैं हमारे बैटर में, थोड़ा सा जो दही बड़े का बैटर था हमारा, 2 चम्मच उस बैटर में मैंने मिला दिया है गरम ऑयल को, अच्छे से उसको हम मिक्स कर लेते हैं। फिर देखिए इस तरह का बैटर तैयार हो चुका है हमारा। अब अपने हाथ को आप थोड़ा सा डिप कीजिए पानी के अंदर, और फिर इसमें से लेते हुए आप दही बड़े थोड़े थोड़े करके इस ऑयल में डालते जाइए, तो ये आराम से बन जाएंगे आपसे, हाथों के चिपकेंगे नहीं बिल्कुल भी, और आपको बनाते समय लगेगा जैसे हाँ बिल्कुल उड़द की दाल के दही बड़े बना रहे हैं, और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। तो आप जब इसको डालें तो बिल्कुल हाई फ्लेम पे डालें, और तेल आपका बिल्कुल तेज गर्म होना चाहिए। अगर वो ऑयल आपका ठंडा हुआ तो जो आपके दही बड़े हैं वो ऑयल को एब्जॉर्व कर लेंगे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे खाने में। फिर आप मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इनको क्रिस्पी फ्राई कर लीजिए। तो हमारे ये फ्राई हो चुके हैं फ्रेंड्स, चलिए इनको निकाल लेते हैं हम। और निकालने के बाद में इसको हम नॉर्मल पानी में डिप कर देंगे लगभग 2 मिनट के लिए, और फिर दबा के निकाल लेंगे बस 2 मिनट बाद में। ये देखिए इस तरह से डाल देते हैं नॉर्मल पानी में, गर्म पानी में नहीं डालना है आपको, और 2 मिनट बाद आप दबा के उनको निकाल लीजिएगा। फिर बिल्कुल गर्मा गर्म ऑयल में डालिए अपनी आप पूड़ियां, अच्छे से चारों तरफ से आप उसको प्रेस करते हुए इस तरह से प्रेस कीजिए, तो अच्छे से देखिए वो फूल के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अगर आपका ऑयल तेज गर्म है तो आपकी पूड़ी बहुत ही अच्छे से फूलेगी, अगर वो ठंडा है तो आपकी पूड़ियां बिल्कुल भी नहीं फूलेगी। तो बस आप ध्यान रखिए कि आपका ऑयल बहुत ही अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो देखिए कुट्टू के आटे की पूड़ी हमारी बहुत ही अच्छे से फूल के तैयार हुई है। तो हमने इसी तरह से सारी पूड़ियां बेल के तैयार कर ली थी और निकाल ली उनको। अब करते हैं प्लेटिंग। तो सबसे पहले मैंने आलू का हलवा रख दिया है, फिर रख रही हूँ मैं इसमें साबुदाने की खीर, और ये हमारी हो गई है क्रिस्पी मूंगफली, और ये हमारे तैयार हो चुके हैं क्रिस्पी आलू, ये आलू की रसेदार सब्जी, ये हमारी धनिया की चटनी, फलाहारी चटनी, और ये देखिए हमारी फूली फूली कुट्टू के आटे की पूड़ियां, जिसमें ना ही तो हमने आलू मिलाया ना ही लौकी, कई लोग इसमें लौकी भी डालते हैं कसके, कई लोग इसमें आलू डालते हैं, पर हमने केवल कुट्टू के आटे से बनाई है। फिर देखिए जो दही बड़े थे इसमें मैंने 2 मिनट के लिए पानी में उनको डिप किया था, फिर दबा के निकाल लिया, तो इसकी भी हम प्लेटिंग कर देते हैं। आप इसको 2 मिनट से ज्यादा बिल्कुल भी डिप मत कीजिएगा पानी में। तो देखिए मैंने दही बड़े रख दिए, इसके ऊपर डाल देते हैं हम थोड़ा सा दही। तो ये जो दही है मैंने 1 कप दही ले लिया था, उसमें थोड़ा सा दूध और मलाई डाल दिया, शुगर डाल दी और इलायची डाल दी, अच्छे से मिक्सर में उसको चला लिया, तो बहुत ही बढ़िया दही तैयार हो गया हमारा दही बड़े का। ये डाल देते हैं ऊपर से। फ्रेंड्स मैंने पूरी थाली शेयर की है, इसलिए मैंने डिटेल में पूरी रेसिपी आपके साथ में शेयर नहीं की है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं सारी रेसिपी आपको अच्छे से बता सकूं।
फिर देखिए मैंने ये अमचूर की चटनी बनाई है। मैंने 2 चम्मच अमचूर लिया है इसमें और 4 चम्मच से ज़्यादा मैंने इसमें शुगर डाल दी, 4 से 5 चम्मच। अच्छे से उसको इस तरह से कड़ा लिया पानी डाल के और फिर इसमें डाल दी नमक, लाल मिर्च और काली मिर्ची। ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है अमचूर की। ये डाल देते हैं ऊपर से इस पर, थोड़ी सी डाल देते हैं इसके ऊपर हम ग्रीन चटनी। फिर इसके ऊपर डाल देंगे हम थोड़ी सी काली मिर्ची और थोड़ा सा सेंधा नमक। फ्रेंड्स, इसमें से जो भी रेसिपी आप मतलब जो भी आप चीज नहीं खाते हो व्रत के अंदर वो आप स्किप कर सकते हैं। जो आप फलाहार खाते हैं वही बनाइएगा। ये मैंने लगा दी है इसके अंदर साबुदाने की खिली खिली खिचड़ी। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी पूरी फलाहारी थाली। आपको मेरी ये फलाहारी थाली कैसी लगी मुझे आप जरूर से बताइएगा। तो देखिए तैयार है साबुदाने के दही बड़े हमारे, कुट्टू के आटे के, आलू का हलवा, खीर, क्रिस्पी मूंगफली, पूड़ी, चटनी, खिचड़ी। सभी रेसिपी हमारी बहुत ही बढ़िया बनी है, क्रिस्पी आलू, रसेदार आलू और खीर भी बहुत अच्छी बनी है। जय श्री श्याम।